दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके लिए कुछ छोटे छोटे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपके घर और किचन के काम काफ़ी आसान हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियोस कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं और मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। क्या होता है, कभी कभी हम मार्केट में कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं जो अच्छी भी होती है और सस्ती भी होती है, उसको घर पर लेकर आ जाते हैं और जब घर पर लेकर आते हैं तो कुछ उसमें कमी दिख जाती है। जैसे कि ये बास्केट मुझे काफी अच्छी लगी, काफी ज्यादा बड़े साइज की है। कैमरे में शायद उतना समझ में ना आए, लेकिन ये बास्केट काफी ज्यादा बड़े साइज की है। मुझे ये बास्केट काफी अच्छी लगी, इसलिए मैं दो पीस ले ली हूँ, क्योंकि अक्सर साग वगैरह तो बनता ही रहता है, तो साग धुलकर इस बास्केट में रख देंगे, सारा पानी निकल जाता है। इसको मैं घर पर लेकर आई तो मुझे इसमें एक कमी दिख गई, और वो कमी क्या है कि जैसे पूरे बास्केट में देखिए छेद है, लेकिन यहाँ बीच में देखिए छेद नहीं है। एक तो सही है, लेकिन एक का छेद देखिए बंद है। तो अब इसमें मुझे छेद करना है, तो वही टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसमें छेद में कैसे कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर चाकू गर्म कर ली हूँ, तो चाकू को गर्म करके जितना भी छेद है सबको इस तरह से कर देंगे। आप चाहे तो कोई भी चीज ले लीजिए गरम करके और इसमें छेद कर दीजिए। तो मैं चाकू से इसको इसलिए कर रही हूँ, यहाँ साइड में करके इधर कर दे रही हूँ, तो एकदम स्क्वायर शेप में छेद हो रहा है। तो इसको हम बाहर की तरफ से नहीं करेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ से करेंगे, क्योंकि अगर बाहर की तरफ से करेंगे तो अंदर का भाग खुरदुरा हो जाएगा। तो देखिए हमारी बास्केट कितनी अच्छी हो गई है। वैसे तो ये बास्केट जिस पर्पज से मैं ली थी वो सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन इस तरह से मैं इसमें छेद करती हूँ तो अब इसमें मैं कुछ भी रख सकती हूँ। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, ये बास्केट सिर्फ और सिर्फ मुझे 20 रुपीज में मिली है। इसको मैं मेले से ली हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं कहेंगे लेकिन ख़राब भी नहीं कहेंगे। अगर आप इसको अच्छे से रखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक ये बास्केट चलेगी। 20 रुपीज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। जब भी हम प्याज काटते हैं तो आंखों में बहुत ज्यादा लगता है, आंखों से आंसू निकलता है, आंखों में जलन होती है, तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। आप लीजिए किचन टॉवेल या फिर कोई हैंकी ले लीजिए, कुछ नहीं है तो नैपकिन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको गीला करके जिस बर्तन में प्याज रखे हैं कट करने के लिए साइड में रख देंगे, और इसको अच्छी तरह से गीला करना है, हल्का फुल्का नहीं, अच्छे से गीला कर लीजिए और फिर रखिएगा। तो इस तरह से आप ढेरों प्याज कट कर लेंगे, आपके आंखों में जलन नहीं होगी ना ही आंसू निकलेगा। तो बहुत ही अच्छी टिप है, आजमाई हुई टिप है, इस टिप को आप भी अपना सकती हैं। पानी या कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल हम सभी के घरों में आता है और हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। मैं कई सारे टिप आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पानी के बॉटल का भी और कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल का भी। तो आज फिर से एक बहुत ही यूजफुल टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं ली हूँ पानी का बॉटल। इसके ढक्कन को पहले हम खोल लेंगे और ढक्कन में इस तरह से 2 से 3 जगह छेद कर देंगे। तो छेद हमें सुई से करना है, बड़ा छेद नहीं करना है, बिल्कुल पतला छेद करना है। इस तरह से बहुत आसानी से छेद हो जाएगा। अब इसका बॉटल लेना है, बॉटल में जो भी लिक्विड जेल विम वगैरह आप बर्तन धुलने के लिए, बर्तन वॉश करने के लिए यूज करती हैं उसको इसमें डाल दीजिए, या फिर विम बार यूज करती हैं तो लास्ट में जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं विम बार के उसको भी डाल सकती हैं। और इसी के साथ में डाल दीजिए पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लिक्विड के हिसाब से आपको पानी डालना है, और इसके ढक्कन को बंद कर देना है। अब इसको हम अच्छे से शेक करेंगे और उसके बाद अब हम इसे धुलेंगे बर्तन। तो स्क्रबर पर इस तरह से आप थोड़ा सा ये जेल डाल दीजिए और उसके बाद ढेरों बर्तन धुल लीजिए। तो जैसे हम लिक्विड जेल लेते हैं तो उसमें पानी मिलाकर बर्तन धुलते हैं, तो बार बार आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको स्क्रबर पर इस तरह से डालकर बर्तन धुल लीजिए। बहुत अच्छी टिप है, बहुत ही काम की टिप है, इससे आपका लिक्विड जेल ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत कम जेल खर्चा होता है। आप चाहे तो लिक्विड जेल वाला ये पानी किसी बर्तन में थोड़ा सा निकाल लीजिए, इसमें से भी थोड़ा थोड़ा स्क्रब पर लगा कर आप बर्तन धुल सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है हर किचन के लिए, इस टिप को आप भी जरूर अपनाइए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपके पैसे भी बचेंगे। इस तरह से थोड़ा जल निकाल कर पानी मिलाकर एक साथ रख लीजिए, 2-3 दिन आराम से चल जाएगा, फिर आपको ज़रूरत हो फिर से बॉटल में इसी तरह से जेल और पानी डाल दीजिए।
लकी बम्बू हम सभी अपने घर में रखते ही हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि थोड़ा सा ध्यान ना दीजिए या कहीं बाहर चले जाइए, मतलब किसी भी कारण से हो सकता है ये खराब होने लगता है। तो इस वाले को आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा खराब हो चुका है। तो बीच में एक तो सही है, बाकी साइड वाले सारे सड़ चुके हैं, सब में फंगस लग गया है। तो आज हम इसको सही करेंगे और देखेंगे जो लकी बम्बू सही होगा उसको फिर से लगाएंगे और जो खराब हो चुका है उसको हटा देंगे। तो इसमें पहले ये जो रिबन जैसा लगा होता है इस तरह से हम इसको खोलकर अलग कर लेंगे, ये खुल जाता है। ये सब बिल्कुल गल चुका है, तो इसके संगत में ये जो सही पेड़ है ये भी खराब हो जाएगा, तो इसको हटाना बहुत जरूरी है। तो सबको हम इस तरह से अलग अलग कर देंगे। इसमें यही होता है, एक बंबू अगर खराब होता है तो वो सबको खराब कर देता है। पहले जो थोड़ा ठीक दिख रहा है इसको हम साइड में रख देंगे। और ये सब देखिए पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो क्या करेंगे इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ऊपर का सही है, नीचे का खराब हो चुका है, तो इस तरह से कट कर लेंगे और इसको हटा देंगे, ये बेकार हो चुका है। या आपके पास अगर मिट्टी है कहीं इसको लगाने का जगह है तो लगा कर देखिए, कभी कभी इसमें से भी निकल आता है बम्बू। ये सब तो बिल्कुल सड़ चुका है, गल चुका है, बहुत ज़्यादा फंगस लग गया है। तो जितने भी ऐसे हैं कि ऊपर से सही हैं और नीचे वाले खराब हो चुके हैं, तो ऊपर वाले कट करके हम फिर से नया ब्रांच निकालेंगे। पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छे से इसमें ग्रोथ हो जाती है। और ये जो बिल्कुल गल गया है ये तो बेकार है, अगर इस तरह से है तो इसको आप फेंक दीजिए। तो इसको हम खूब अच्छी तरह से धुल लेंगे 2 से 3 पानी से। इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, सारा फंगस जो भी लग चुका है सब निकल जाए। अच्छे से हम इसको 2 से 3 पानी से धुल लेंगे। और इसके इस जार को भी खूब अच्छे से साबुन, सर्फ, स्क्रबर कुछ भी लगाकर बढ़िया से धुल दीजिए, बिल्कुल इसमें शाइनिंग आ जाए, जरा सा भी गंदगी ना रहे। और ये जो कलरफुल पत्थर हैं इनको भी हम अच्छी तरह से धुल लेंगे, क्योंकि इसमें भी काफी चिकनाई चिपकी रहती है। तो अच्छी तरह से मैं इन सभी चीजों को धुल ली हूँ। अब इसको फिर से इस जार में डालेंगे और इसी के साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो पानी आपको यहाँ पर नॉर्मल पानी टाइप का नहीं लेना है, यहाँ पर आपको फिल्टर पानी लेना है या फिर जो बॉटल वाला पानी आता है पीने के लिए उसको लीजिएगा। अब इधर इसको भी मैं अच्छी तरह से धुल ली हूँ, तो इसमें जितनी भी पीली पत्तियां हैं सबको हटा देंगे। तो ये छोटे वाले भी एकदम सही हो गए हैं लगाने के लिए, और इधर से भी जितनी भी पीली पत्तियां हैं सबको पहले हम निकाल देंगे। और इसके रूट के पास देखेंगे, अगर रूट एकदम सही है, यहाँ पर कुछ गला हुआ सड़ा हुआ भाग नहीं है, तो इसी तरह से रहने देंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रेश बम्बू तैयार है लगाने के लिए। अब बीच में जो पाइप लगा है इसको यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, और चारों साइड में इस तरह से इसको हमें लगा देना है। तो बस जितने भी बम्बू बचे हैं आप उतना ले लीजिए, 2-3 ही बचा है तो 2-3 ही ले लीजिए। और इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे, जैसे पहले से लॉक किया हुआ था उस तरह से लॉक करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाएंगे, बस इस तरह से हम इकट्ठा कर देंगे। अब इसको हम इस जार में रख देंगे और ध्यान रखेंगे कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इसका रूट है यानी कि रिबन जहाँ तक है वहाँ तक ही हमें पानी रखना है। तो इस तरह से अब हम इसको रखेंगे तो अच्छे से ये ग्रो होगा। और जो मैं कट करके छोटे छोटे बम्बू इसमें से निकाली थी उसको भी एक छोटे से ग्लास में पानी करके रखती हूँ, कुछ दिनों में इसमें भी रूट निकल जाएगा। तो इसका ग्रोथ किस तरह से हो रहा है आगे की वीडियो में इसको भी शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी YouTube फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।